We are going to start this chapter, Units and Measurement. First of all, we will see measurement and then we will see unit. So question ये आता है कि what do you mean by measurement? Measurement यानि क्या? So measurement देखने के लिए मैं आपको 10th level पे थोड़ा लेके आता हूँ. देखिए 10th level पे आपने बहुत सारी physical quantities पढ़ी है. मैं कुछ quantities का अभी नाम लेता हूँ. कौन सी quantities पढ़ी है बेटा? जैसे आपने पढ़ा है length, mass, time, उसके बाद में temperature, electric current, luminous intensity, amount of substance, area, volume, density, then velocity, acceleration, momentum, then force, impulse, kinetic energy, potential energy, power, pressure, charge. तो ऐसी बहुत सारी physical quantities आपने पढ़ी है. Okay. तो ये जो physical quantities है, इनको मेजर करने की प्रोसेस, इनको गिनने की प्रोसेस यानी मेजरमेंट. तो डेफिनेशन फिर क्या होगी? द प्रोसेस और फेनोमेना. वो प्रोसेस या फेनोमेना कौन सा? ऑफ मेजरिंग फिजिकल क्वांटिटीज इज कॉल्ड मेजरमेंट. फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने वाली वो प्रोसेस यानी ही वो फेनोमेना, इसको बोला जाता है मेजरमेंट. सो अगेन डेफिनेशन, द प्रोसेस और फेनोमेना ऑफ मेजरिंग फिजिकल क्वांटिटीज इज कॉल्ड मेजरमेंट. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, इस डेफिनेशन में देखिए वो शब्द आया कौन सा? फिजिकल क्वांटिटीज. तो भाई फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? तो उसको समझने के लिए पहले हमें देखना पड़ेगा कि भाई क्वांटिटीज की टाइप्स कौन सी होती है. तो देखो क्वांटिटीज दो टाइप की होती है. एक होती है फिजिकल क्वांटिटीज और दूसरी होती है नॉन फिजिकल क्वांटिटीज. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज. अब फिजिकल क्वांटिटीज आप किसे बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटीज उन्हें बोला जाता है जिनको हम मेजर कर सकते हैं, वो फिजिकल क्वांटिटीज. और जिनको हम मेजर नहीं कर सकते हैं उनको बोला जाता है नॉन फिजिकल क्वांटिटीज. तो फिर फिजिकल क्वांटिटीज की अगर हमें डेफिनेशन बतानी है तो क्या होगा? द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर, वो क्वांटिटीज जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज. ये कौन सी होंगी? ये मैंने अभी इतने सारे आपके सामने नाम लिए, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी. ये सारी क्वांटिटीज मेजरेबल है, इनको हम मेजर कर सकते हैं, गिन सकते हैं. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटीज. और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज आप किसे बोलेंगे? जिनको हम मेजर नहीं कर सकते, विच कैन नॉट बी मेजर्ड. तो डेफिनेशन क्या होगी? द क्वांटिटीज विच कैन नॉट बी मेजर्ड आर कॉल्ड एज नॉन फिजिकल क्वांटिटीज. जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम देखेंगे कि भाई हमारे इमोशंस, हमारे एक्सप्रेशंस, हमारा किसी के प्रति अफेक्शन, एंगर या सैडनेस, ये जो है ये नॉन फिजिकल क्वांटिटीज है क्योंकि हम इनको मेजर नहीं कर सकते, इनको हम गिन नहीं सकते, इनकी क्वांटिटी हम नहीं गिन सकते. सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज नॉन फिजिकल क्वांटिटीज. तो चलो हम डेफिनेशन डिटेल में देखेंगे अभी.
फिजिकल क्वांटिटीज, अभी मैंने डेफिनेशन बताई, क्या होगी फिर? द क्वांटिटीज, वो क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, जिनको मेजर कर सकते हैं, आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज, उनको फिजिकल क्वांटिटीज बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये शब्द ख्याल मेरे को बेटा, ईजी, मैं पहले बता दूं, ईजी यानी ये होता है बेटा इटा ग्रेविटा, लैटिन शब्द है और इसी का मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल। हाँ, ये बड़े काम का शब्द है, ख्याल में रखिए। तो इसके फॉर एग्जाम्पल मतलब एग्जाम्पल्स कौन से हैं? ये इतने सारे अभी मैंने करीबन बिसा के आपको एग्जाम्पल बता दिए हैं, तो यहां लिखने के लिए आप तीन चार लिख सकते हैं, जैसे लेंथ, मास, टाइम एक्सेट्रा। तो वो क्वांटिटी जिनको हम मेजर कर सकते हैं उनको बोला जाता है फिजिकल क्वांटिटीज। और इधर आइए डेफिनेशन नॉन फिजिकल क्वांटिटीज की, उसको अभी हमने देखा कि भाई जिनको हम मेजर नहीं कर सकते उनको बोला जाता है नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। तो बेटा डेफिनेशन क्या होगी फिर? तो द क्वांटिटीज, वो क्वांटिटीज विच कैन नॉट बी मेजर्ड, जिनको हम मेजर नहीं कर सकते, आर कॉल्ड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज, उनको बोला जाता है नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। इनके एग्जाम्पल्स कौन से है? इमोशंस, हमारी भावनाएं, एक्सप्रेशंस, हमारे हाव भाव, लव यानी प्यार, जैसे हम हमारे माता पिता से करते हैं, अफेक्शन यानी आदर भाव, एंगर गुस्सा, सैडनेस दुख एक्सेट्रा, इनको बेटा हम मेजर नहीं कर सकते, इनकी अमाउंट हम गिन नहीं सकते। उदाहरण के तौर पे मैंने अगर बोला कि भाई आप अपने मम्मी से कितना प्यार करते हैं, तो आप बोलेंगे सर बहुत ज्यादा, बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट, लेकिन ज्यादा कितना? ज्यादा कितना? 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 2 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर, कितना? तो फिर आप बोलेंगे सर उनको हम वैसे कैसे गिन सकते? एब्सोल्युटली राइट, आप उसको मेजर नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते, मतलब वो कैसी क्वांटिटी हुई? नॉन मेजरेबल, नॉन मेजरेबल यानी ही नॉन फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि हम उसको मेजर नहीं कर पा रहे हैं। तो अब हमें स्पेसिफिकली इस चैप्टर में पढ़ना है फिजिकल क्वांटिटीज, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज तो मेजरेबल नहीं है, वो नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है फिजिकल क्वांटिटीज जो मेजरेबल है। हाँ, तभी सामने के चार्ट में हम देखेंगे कि भाई ये जो फिजिकल क्वांटिटीज है जिनको हम मेजर कर सकते हैं वो कितने टाइप्स की है। तो बेटा तीन टाइप्स की है, देर आर 3 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। कौन सी है? पहली जो है बेटा वो है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, उसी को बोला जाता है बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज। दूसरी है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज और तीसरी है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। तो पहले वो चार्ट देख लेते हैं। तो देखो फिजिकल क्वांटिटीज आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। पहली बेटा अभी बताया फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, या इसी को बोला जाता है बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज। दूसरी बताई थी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज और तीसरी बेटा सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, सो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। तो अभी हमने देखा बेटा कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज जो है वो टोटल 7 है। तो वहां पे जाने के पहले हम देखेंगे कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की डेफिनेशन क्या होती है। तो देखिए वो फिजिकल क्वांटिटीज जिसको या जिनको अपने खुद के मेजरमेंट के लिए किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं होती, यानी वो दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड नहीं होती अपने खुद के मेजरमेंट के लिए, ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज को बोला जाता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज या बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज। तो डेफिनेशन क्या होगी कि वो क्वांटिटी जिसको अपने मेजरमेंट के लिए किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ रहा है।
सो डेफिनेशन, द फिजिकल क्वांटिटी, वो फिजिकल क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड अपॉन अदर फिजिकल क्वांटिटीज, जो दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड नहीं होती, फॉर इट्स मेजरमेंट, उसके अपने मेजरमेंट के लिए, इज कॉल्ड एज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और बेसिक फिजिकल क्वांटिटी. तो डेफिनेशन वंस अगेन, द फिजिकल क्वांटिटी, वो फिजिकल क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड अपॉन, जो डिपेंड नहीं रहती अदर फिजिकल क्वांटिटीज, दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर, फॉर इट्स मेजरमेंट, उसके अपने खुद के मेजरमेंट के लिए, इज कॉल्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और बेसिक फिजिकल क्वांटिटी. फॉर एग्जाम्पल, लेंथ, मास, टाइम एक्सेट्रा. मैंने अभी बताया बेटा कि ये टोटल 7 है, उसमें से 1, 2, 3 तो अभी हमने देख ली थी. अब ये पूरी जो 7 जो है उसका पूरा 4 हम यहां देखेंगे पॉइंट टू पॉइंट. सो देखो देखो बेटा, ये फंडामेंटल क्वांटिटी टोटल कितनी होती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ये पहली जो 3 है, लेंथ, मास, टाइम, ये तो आप पहले से ही जानते हैं, 10th लेवल से ही जानते हैं लेंथ, मास, टाइम को. अब बाकी 4 जो है इसको सिंपल वैसे कैसे याद रखते हैं, वो टेक्निक भी देखो. देखो बेटा, चौथे नंबर पे है टेम्परेचर, पांचवें नंबर पे है इलेक्ट्रिक करंट, सादी भाषा में करंट. छठवें नंबर पे है ल्यूमिनस इंटेंसिटी. ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी लाइट की इंटेंसिटी, लाइट जैसे सन से आ रही है हमारे अर्थ के तरफ, तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी लाइट की इंटेंसिटी. और 7th है बेटा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस यानी मटेरियल यानी मैटर, उसकी अमाउंट, सब्सटेंस की अमाउंट, सब्सटेंस की मटेरियल की, पदार्थ की मात्रा. सो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो ये देखो, ये जो बेटा 4, 5, 6, 7 पे है, ये है टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. इसको इजीली याद रखने का तरीका क्या है, इसको हम बोलेंगे टेला. देखो, टेम्परेचर का टी, इलेक्ट्रिक करंट का ई, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का एल और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का ए, तो नाम क्या हुआ, टी ई एल ए यानी टेला. इजीली याद रहता है बेटा ये, जैसे कोई फॉरेन की लड़की उसका नाम टेला. सो अब 7 क्वांटिटीज को हम देखेंगे तो देखो बड़े इजीली याद रख सकते हैं. पहला है लेंथ, फिर मास, टाइम, ये 3 तो इजीली हो गई. और ये वाला टेला, टी मींस टेम्परेचर, ई मींस इलेक्ट्रिक करंट, एल मींस ल्यूमिनस इंटेंसिटी और ए यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. तो देखो 7 अभी हमारे दिमाग में बिल्कुल परफेक्टली फिट हो गए, लेंथ, मास, टाइम, टेला, लेंथ, मास, टाइम, टेला, यस. तो ये हो गई फंडामेंटल क्वांटिटीज 7. अब इनके बेटा यूनिट्स, तो इसमें हम देखेंगे एसआई यूनिट, एसआई यूनिट. तो यह सबसे पहला प्रश्न ये तैयार होता है कि सर ये एसआई का मतलब क्या होता है, एसआई का मतलब. तो देखो बेटा, एसआई का जो पूरा मतलब है, एसआई ये है सिस्टम इंटरनेशनल, सिस्टम इंटरनेशनल, या इसी को बोला जाता है और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम, मतलब एक ही है बेटा. तो एसआई यानी सिस्टम इंटरनेशनल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम, सिस्टम इंटरनेशनल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम. ये सिस्टम क्या है,
ये हम सामने अभी जब हम यूनिट्स देखने जाएंगे तो उस वक्त डिटेल में हम देखेंगे ही। फिलहाल मैं आपको उसकी एक जस्ट आइडिया दे देता हूँ कि यूनिट की जो सिस्टम्स है वो बहुत अलग अलग सिस्टम्स पहले से चली आ रही है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम जो बेसिकली साइंटिस्ट को होने लगा आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर। सेकंड वर्ल्ड वॉर के पहले तो मतलब हर जो पावरफुल कंट्रीज थी, जैसे इंग्लैंड है, फ्रांस है, उस जमाने की बोल रहा हूँ मैं, तो इंग्लैंड है, फ्रांस है, अमेरिका है, तो उनकी अपनी अपनी एक मतलब स्पेशल सिस्टम चलती थी जिसको भी हमें पढ़ना है सामने। लेकिन सेकंड वर्ल्ड वॉर जब ख़त्म हो गया तो ये जो वर्ल्ड है बेटा, एक ग्लोबलाइज हो गया, मतलब एक ग्लोबल विलेज हो गया, मतलब वर्ल्ड एक प्रकार से मतलब पास आ गया। पास आ गया मतलब कि अब जो हमारे साइंटिस्ट है वो एक कंट्री से साइंटिस्ट दूसरे कंट्री में जाने लगे, दूसरे से तीसरे कंट्री में जाने लगे, तो ऑब्वियसली बात है, जाहिर सी बात है कि उनका जो अपना रिसर्च है वो शेयर करते थे। तो प्रॉब्लम उनको यूनिट्स में होने लगी, क्योंकि एक कंट्री के साइंटिस्ट कुछ अलग यूनिट्स में बात करते थे, दूसरे कंट्री के साइंटिस्ट कुछ अलग यूनिट्स में बात करते थे, और तीसरे कंट्री के साइंटिस्ट कुछ अलग यूनिट्स में बात करते थे। तो वहाँ फिर एक प्रकार से मिसमैच होने लगा, क्योंकि उनको यूनिट सिस्टम अलग अलग होने के कारण समझ नहीं रही थी। तो फिर आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर एक ऐसा डिसीजन लिया गया कि भाई एक यूनिफॉर्म सिस्टम होनी चाहिए पूरे वर्ल्ड के लिए, एक ही सिस्टम होनी चाहिए ताकि ये कंफ्यूजन ना रहे। तो इसके लिए बेटा ये सिस्टम तैयार की गई, कौन सी, एसआई सिस्टम, यानी सिस्टम इंटरनेशनल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम, क्योंकि पूरे वर्ल्ड के लिए एक ही है। इसके लिए मैं अभी थोड़ा उदाहरण के तौर पे आपको बता देता हूँ कि जैसे ये पहली क्वांटिटी है लेंथ, लेंथ को हम इंडिया में मीटर में गिनते हैं। तो अगर अभी आप इस वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में चले जाइए, अमेरिका चले जाइए, इंग्लैंड चले जाइए, ऑस्ट्रेलिया चले जाइए, रशिया चले जाइए, फ्रांस चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, एसआई सिस्टम के अनुसार हर जगह लेंथ का यूनिट मीटर ही रहेगा। तो अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहा, क्योंकि हर कंट्री में लेंथ का यूनिट मीटर है। दूसरे इसमें जब हम आएंगे तो मास का यूनिट किलोग्राम हर जगह वही रहेगा, टाइम का यूनिट सेकंड हर जगह वही रहेगा, टेम्परेचर का यूनिट केल्विन हर कंट्री में वही, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर ये भी हर जगह वही, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल। तो हर कंट्री के लिए अभी जो यूनिट सिस्टम बनाई गई वो एक कॉमन सिस्टम बनाई गई जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो एसआई यूनिट्स, मैं अभी आपसे बात कर रहा था कि ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है, यानी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है, ये सेवन उसकी टाइप्स। तो इसके जो यूनिट्स है, तो बेटा लेंथ का यूनिट ये मीटर होता है, मास का यूनिट किलोग्राम है एसआई सिस्टम में, टाइम का सेकंड है, टेम्परेचर का केल्विन है, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला है, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल है। अब इनके सिंबल्स यानी शॉर्ट फॉर्म यानी एब्रीविएशन, क्योंकि हर जगह हम ये फुल फॉर्म तो नहीं लिखेंगे। अगर मुझे बोलना है कि भाई ए टू बी ये डिस्टेंस 10 मीटर का है, तो मैं सिंपल इसमें जब लिखूंगा तो सादे इसमें मैं कैसे लिखूंगा, 10 m, तो यहां m यानी मीटर, मैं पूरा मीटर नहीं लिखूंगा क्योंकि वो लिखने के लिए सुटेबल नहीं है। सुटेबल कौन सा है, 10 m। तो हमें ये जो यूनिट्स है उसके शॉर्ट फॉर्म हमारे लिए बड़े जरूरी होते हैं। तो शॉर्ट फॉर्म्स यानी ही सिंबल्स यानी एब्रेविएशन बोला जाता है उसको।
तो फिर मीटर का सिंबल यानी शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया, एम। ये मीटर जो है ये मीटर का एम। फिर दूसरा किलोग्राम, तो ये देखो के और जी, के जी ये उसका शॉर्ट फॉर्म। सेकंड का ये यस, यस उसका शॉर्ट फॉर्म। केल्विन का ये के, एम्पियर का ए, हाँ ये इसको कैपिटल इसमें हम लिखते हैं, ये जो एम्पियर लिखा है हम इसको ऐसा एम्पियर कैपिटल इसमें भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो ये एम्पियर ए। कैंडेला का ये सी और ये डी, सी डी कैंडेला का शॉर्ट फॉर्म। और मोल देखो MOL, इसका सिंबल है सिर्फ ये पहले तीन अल्फाबेट MOL, मोल। तो इन SI यूनिट्स के ये सिंबल। तो हम इसको अभी अगर रैप अप करना चाहे तो कैसे बताएंगे हम कि भाई फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी 7 है, लेंथ मास टाइम और टेलर। फिर उनके SI यूनिट, लेंथ का मीटर, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकंड, टेम्परेचर का केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल। और ये उनके सिंबल, मीटर का यम, किलोग्राम का केजी, सेकंड का यस, केल्विन का के, एम्पियर का ए, कैंडेला का सीडी और मोल का MOL। तो ये हुई फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी।